तो जी हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आशा करते हैं आप सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। और मैं मेरे व्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ भाणु, वही पक्षियों के चूगे के साथ और दूध लाने के साथ। दूध लेके आ गई हूँ भाणु, आठ रख दी हो एक बार और पक्षियों को चुग्गो भी आठ ही रखे हो एक बार। और ये देखो, इनकी न कोई रुत है न कोई मौसम है, पत्ता ने कौन छोड़े पौधा कन यहाँ खा जाए ही। और इसने देखो, चल मारूं तो नहीं गई तेरे ने सुबह सुबह में, पर भाग जा। तो चुगो जो है नी, आज बाणो मैं पहले इसकी सफाई करके फिर डालूंगी। ये देखो इस तरीके से इसमें नी बिट्टा एक कूणा का मैं इकट्ठी कर ले हुए, ये इकट्ठे कर जिस दिन छुट्टी होने उन दिन सा काम बढ़िया करे, एक्स्ट्रा काम। ठीक है, पूरे दिन आना एक्स्ट्रा काम में ही जावे बाणो छुट्टी वाले दिन, बाकी मनास तो बहुत काम है। हेलो पहले मैं डाल लियो और अब डाल देंगे सुने सुने। हाँ देखो एक एक कुट कुट करके एक आधी फोड़े ही नहीं, फिर भी मियाँ आने कौन खावे के स्टाइल खावे। अरे यो बोरा कसी है जो पिंडो लेके जाओ, यानी कि ये बिना बिस्कुट खाए इसका ध्यान में आए की बात है। अभी यहाँ तो हमेशा बीच बीच में कई बार को नहीं आवे, लेकिन अब बिना खाए जा भी कौन, चाहे कितनी देर में डाल लो इसमें खा ले। लोग तो मेरा बाणो का लाओगो, आज है गुरु नानक जयंती, तो थाने सारा गुरु नानक जयंती की जो जो लोग मनावे उन हार्दिक शुभकामना। आखिर सजन आज आज कल आवे ही हो भाई सर्दियाँ का, मैं रात ना आज मैं लेट हो गई थी तो थोड़ी यूँ होती सजन की कम दिखा है कि तो मैं वाणो आज रात ना नहीं पक्की हूँ, आर तक यो याद करके सोई थी, मुझको कल पूनम पक्की करूँगी। तो आज मेरे अभी तक याद है, मैं याद रखूँगी। चाय तो देखो मैं पी लिया करया करया करो, पूनम ने बिना नहाए के रो दो बारी पी लूँ मैं, फिर आज में पक्की याद है मेरे। आज में पक्को पूर्णिमा को व्रत राख, कार्तिक की बड़ी पूर्णिमा आज सोच के, मतलब बड़े बड़े महीना की राखिया करो बाणो, बाकी सारी तो कोनी रवे, याद रह जाए तो रह जाए। चांदनी चांदनी ठीक है, चांदनी होगी तो पूर्णिमा, दिमाग देखो थे मेरे। और आज तुलसी को भी कोई इलाज करूँगी बाणो, ये कपड़ो इसके ऊपर टिक्यो रहेगो नहीं, और अगर ओस में भीग तो रहेगा तो एक भी पत्तों कौन बचा, सारा पत्ता गल गल के पड़ जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊंचो रखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से कौन डक्स का इसने कि यो कपड़ो इसका टच रहे रोस आवे फिर वो भिग्या जा, भीगने से पत्तों हमेशा गिल्लो रहने से गल गल के सारा पत्ता पड़ जाएगा। तो एन थोड़ी सी पिछली साल बांध दौड़ी ने भी यहाँ का हिसाब हुई बांध दूंगी, फर्स्ट टाइम दिखा दूंगी कि यहाँ के करूँ। पिछली को नहीं गर्मी में भी बांध गई रखनी पड़े बाणो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, चाय बना के पी लियो, आज बहुत सारी बातें सुबह सुबह थरकन बिना ही चाय में कर ली है। और आज इनमें डाल दिए है बाणो पानी बिना ही धोए, ज़्यादा गर्दो गर्दो कुछ भी को नहीं आ रहा है, क्योंकि अब की बार मैं नहीं दरवाजा इस बैठक को यो वालों भी बंद ही रखूँ लगभग। और इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन आने मिल गई है, सुबह सुबह थोड़ी सी देर खोल दी हूँ जिस दिन घुरे हूँ उस दिन, बाकी वो दरवाजो भी मेरा परमानेंट भी यहाँ बंद ही रहे, ऑक्सीजन दिरा दी हूँ आने में, मतलब मन लागे आने ऑक्सीजन की जरूरत को नहीं होती होगी। ऑक्सीजन बोलना की बोलना बापा, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचते हैं और फिर ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, तो ए नहीं हमेशा दरवाजा आजकल मैं बंद रखूँ तो भी देख लो चाहे एकदम हरिया, और पत्ती इसने भी नहीं निकाल दी लेकिन हो लारो कौन काटन लाग रहे हो। देखो इन पानी घणो ही मिले फिर इनने तो एक आधी पत्ती काटी, हाँ काटी है जो आई देखो थे कि यहाँ बड़ी ठीक है, और आ एक पत्ती और गल गई की, वो तो बस मन लागे थोड़ा ही दिन हरे हो रहेगा फिर बाद में बस गल जाएगा ऑटोमेटिक, उ पत्ती गल गई यहाँ करके, बस वो जितना दिन यह डाली हरी रहेगी इतना ही अठाई को फैशन है, बाद में यू निकाल दियो जागो। और मैंने किचन विचन सब साफ कर दिए बाणो, अब मैं मेरी भर लिया हूँ पानी की टोकनी, एक टोकनी आजकल है आधी करके रखनी पड़े, नहीं तो क्या इसमें बोड़ी भरी बड़ी चल रही घना दी नमान तो। चलो पहले भर लेती हूँ इस झाड़ू ने दरी ने बाणो, मैंने हो गया और कम तक कम भी आधी पूर्ण घंटो ठा के खड़ी हुई थी, मेरे को बाहर ने झाड़ू लगाऊंगी आज, आजकल सर्दियां में बाहर ली झाड़ू को भी तकड़ो। ए देखो ये पौधे की मैं कटिंग कर दी है,
संतोष बहन बतान ला रही थी कि 2-3 दिन ही पौधा की कटिंग करने में रो हार्ड पौधों की, तो यू हार्ड हों दो भाई के बेर तो मैं यहीं की कर दी भाई कटिंग बाणू, चाहे यू हार्ड और चाहे सॉफ्ट हो। हार देखो ऐ भी यहाँ की पत्ती आऊंगी फूट फूट के आने छोड़ दी को नहीं, पर बहुत दिन के मैं राम को गोड़ो फेंक गई उसा, अब है नहीं कर पूरा कटवा दियो बोलो ज़्यादा तो बढ़ाने जगह को नहीं है कि जो फैल फैल के पेड़ियाँ पर आ जाए। अब नई नई यहाँ देख ए देखो ऐ फूटेंगी ना का फिर अगले साल फूल बहुत खिलेंगा, बहुत गजब आ रहा फूल खिले। अब कर गेट खुल्लो छोड़ के जा रही कद कोई, क्योंकि ठंडा है कि कचरो देखो सर्दियाँ सर्दियाँ यहाँ आवे बहुत ही, 2-3 दिन ही हुए हैं जबकि मैंने झाड़ू लगाया। ओ ये भी तो मेरा एक आज बोला ही कम पड़े हैं, मतलब गाया के ठाए का दी बैठी की होगा तो 2-3 दिख ही पोटा और पड़े हैं एक दो बेहर सुखा देंगा, पहले झाड़ू लगा दूँ। अब आ चल लेने जिद माना थोड़ा सा सूख दी रेत और धूल बहुत उठे फिर है नी हवा बल जानी सी चल आई सीधो मेरे लग रही दूर जा, जिद मैं थोड़ी कम लगानी चाहूँ झाड़ू ने गुराली ने, लेकिन बोलो ज़्यादा इं हो जाए नी मतलब ठंडी ठंडी में लगाओ नहीं अगर सवेरे सवेरे जित तो थोड़ी थोड़ी गिल्ली हो यार रेत इतनी कम उड़ है, अमन तो देख लिया थे इतनों काम करते करते लेट हो ही गई है बाणू, थोड़ी ओला ओला लगा लेंगे भाई रेत कम उठे वो और तो की है। देख लियो बाणू मैं नाला करता ही तो इन्ना लगा दी है और बेरो नहीं रोज की कुण पराली खंडा जैसे मन तो नहीं लागे, परसों परले दिन मैं झाड़ू लगाई दी इतवार वाले दिन जिदे आ पराली बार दी सारी, अब बटता ही उरू खिंडा रखी है अरे इन्ना बात हम ध्यान है इतनी बाणो मैं बार बार बह चोरिया है नी देखियो ना 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 टबर लाग रहे बह चुगे गोखरू गोखरू में समझो के बाणो और गोखरू बिका 300 रुपये किलो जिदा कि मम्मी रोला करे चलो करी मैं क्यों क्या कि चल मैं और लाग जाऊँ थर शग चुगो चुगो मको सारियां कह के आई हूँ ए बावली घरे बैठे उड़ो रोजगार क्यों आई के घमंडारी बात है जो छोरियाँ तारी गोखरू कौन चुगे मैं चुग लू बावली मन टेम हो तो छोड़ दू को नहीं और बेचू 300 रुपये किलो बता के गई है मन तो वाह न्यू बताओ तो हम 300 रुपये किलो है जी 3000 रुपये 30000 रुपये क्विंटल हो गया होगा मन तो आओ भी को नहीं बाणो हिसाब किताब 300 रुपये किलो मेरे को टेंशन हो गई मैं तो मन टेम हुआ ना तो नरिया गोखरू बेचू चुप चुप के आड़ मारे नरिया है हाथ पे कह के आई हूँ छोरियन बेड़ा कर लियो मो दही ना बेटा फिर मम्मी यहीं पड़ी करें आप तो गुटका का इतना सारा पैकेट दाब के लेगी हाथ के माँ एक मरो था ना मको हम छोरी अंत आप आपका कपड़ा ले आऊँगी चपते इस ज्यादा किलो भी चुग लिए तो 150 रुपया मुझे किलो किलो ऑर्डर टाप रख गदड़ गदड़ चुग लिए अपन कह रो के ही घमंड में टूटी मरी जाएंगे लुगाइयाँ ठीक है देखते हैं बाणो आज दिन में क्या करिए भाई करूँ फटाफट चाय बना लेती हूँ और आज देख लो बाणो मैं बनाऊंगी चटनी जो लाल मिर्च देखो थोड़ी थोड़ी कूट दी थी और साथ में है हरी मिर्च और साथ में है काचरी ए तीन चीज तो मैं एक बार थोड़ी थोड़ी यहाँ करके छोड़ दूंगी ताकि लाल मिर्चा को बीज है नी वो इतना थोड़ा सा नरम पड़ जा पानी इनमें मैं डालू को नहीं ठीक है सीधी सूखी बटन आ रही हूँ हम दिखा दूँ लास्ट में अभी तो मैं एक दो चीज़ और ले आऊँगी लहसुन कौन डाल लिया तो ये बियाण में सिर्फ लाल मिर्च हरी मिर्च नमक और काचरी डाल रखी है थोड़ी थोड़ी यहाँ कर दूंगी नहीं तो ये नरम हो जाएंगी फिर एकदम से महीन बाटी जाएंगी यानी कि नन्ही बाटी जाएंगी कुछ ये तरीका हूँ करके छोड़ दिए बाणो ढक्कन लगा के छोड़ दी इतना कुछ हो जाएंगी ये नरम मैं तो नहीं आपने ले लूँ टोकरी री चलू प्लाट में देखो दिखाने के कुछ लाते हैं तो बाणो यो देख लो यो ले लियो धनियों और यो ले लियो लहसुन और ये ले लिए चना की चूंटी कट करना चालू कर दिया भाई मैंने एक दिन पहले बना ली मैं ठीक है अब ये और मिक्स करा अपनी चटनी का मई जबरदस्त वाली देसी चटनी तैयार होना रही है भैया मैं तो कर रखी है पुनम माणो मन तो खानी को नहीं श्याम ने रोटी खाऊंगी एक टेम श्याम ने खाऊंगी ने जिदा खाएगी काचरी तो दूध के साथ ही तो भैया कॉलेज का सब्जी सब्जी में लाएं डाल लियो इसने फिर बच्चोड़ी चटनी ने लेकिन बना लिया अपने के खुद के लिए थोड़े ही ना सारे टेस्टी चीज़ें बनाई जाती हैं कुछ दूसरों को भी खिलाना चाहिए टेस्टी टेस्टी बना के भोजन आर्यो बाणो लास्ट मार फिर के मानना ही करना पड़े मेरे लो जिजो तो बड़ो बेकार कौन करे यार बार एंटर लगावे कहा कि इंटरलॉक को नहीं इंटरलॉक भैया इतना दिन पड़ी रखोगा तो कोई न कोई तो काम में ले ही गो मैं के कमा अठ तक तो आ गई है अठ हूँ आगा कि ईंट ठा के लगाऊंगा जी देखा इंटरलॉक कठू लिया होगा बात तो मैं थानू कई बार कह दी बाणो हर एक चीज अपनी जगह बना ले जी सुनेड़ हो जाए देखो
आठ मारा उरले पास किकर थी, मैं देखू आठन का के हट गयो भाई। फिर मेरे याद आई है कि आठ मारा किकर थी बा उरली, कल हाँ आपके उरो हूँ किकर क्या कर का मैं डाला काट काट के हठ लगाया है नी बैठा है इंज दून को देखो या मतलब एकदम खुलो खुलो सो तो दिखन लागो और सुनेड़ भी आने लगी कि भाई आठ मेरे कोई न कोई चीज थी यहाँ यहाँ रहा मेरे मन में जिद बह नहीं। अब देखियो मैं इतनी देर हुई मैं तो चाहिए छाया और सर्दिया में चाहिए तावड़ो दीदी वे चारों मेरे बह की करिया या घूमट सी बना रखी ने जी छाया रहती कोई गोबर गाबर थप रह कर कोई पशु पासु बांधे दीदी बाल लेडो रहने लग जाए दीदी तावड़े खातर पूरी किकर क्या कर छंग दी एक बार तह दिन हम छंग गए हैं मानो फिर वापिस बढ़ के हो जाए ये जड़ तक काटा बिना अरे बिया टेम लागे दीदी घर आपको मेरा तो क्या है वह किकर का पत्ता साड़न पड़न लग जाए जिद मैं थोड़ी थोड़ी उन्होंने काट के छोड़ दी हूँ। और यह देख लो भाणो अपनी चटनी कुछ इस तरीके की होगी है तैयार। देख लो थे धनिया का ये फूसका है नी ये रहेगा भाई थोड़ा बहुत ठीक है। और बीज मिर्च को तो थाने एक भी दिखाई कौन दे रहे होगे लेकिन काचरी का जरूर एक आधा काचरी का बीज अगर नहीं रहे तो फिर यहाँ केठा पड़े भाई हम काचरी डाल लोड़ी है। बाकी मेरे हाथ हाँ खोआ दुखन लग जाए भाणो ये काम भी रोज की करे नी जिदी बॉडी बनी उड़ी रहे हण तें एकदम भूखिया नी मिर्च बाटन वाली लुगाइया कई रवे देखो कई कई नहीं लपूसड़ा की अणकी एलर्जी सी हुए भाई धनिया रहा है जो लपूसड़ा है नी अणकी ये मन लागे शायद चना का है क्योंकि ज्यादा खाद वगैरह मतलब यहाँ चना बीजा नहीं या फिर थोड़ा सा एक बार उगता ही चना करा नहीं जिद बहंगा मई तार एक बार पक्को हो या तो चना का ही या धनिया का भी उसमें कोई भरोसो को नहीं है बट कोई दिक्कत को नहीं है चटनी एकदम टेस्टी होनी चाहिए खाने का मई रोटियां का ऊपर लगावानी जिद ये जो तार सा दिखे नहीं ये बिल्कुल कौन दिखा बाकी थोड़ा सा जोर और लगाना पड़ा के तो अन्न मिटन है इसी सही है एकदम मानो मेरे मेरा हाथ दुखन लग जाएगी इतनी बटेगी देख ले सियावर। तो भाणो रोटी मेरी बन गई रहा देखो मैंने आज बनाया परांठा ठीक है मैं बनाया करे आप कदे दाल होने श्याम की उसमें पालक काली रो उसका बना दू कदे पालक कारिया करके कदे कदाऊ जिस दिन रेस्ट हो ना गरम गरम खाना को ही हो जाए भाई कोई गरम गरम खा ले दही दही के साथ में खा ले तो बनाया करे आज मैं परांठा बनाते हैं मेरे एक बात याद आ गई मार बात छोरी आ रही जी याद आ गई मेरे दादेर सासू होता नहीं मैं गाँव में रहती नहीं जित परांठा परांठा बनाया करती नहीं जित सारा टाइम आज अरे तू भी खा ले आज तू खा ले तन्ने खा लियो के उसने खा लियो के जिद उनकी आज बात माने याद आ गई ताई बेटियान भाई मैं याद करी मार दादेर सासू आज अरे बाणो मैं नहा लू फटाफट और आज है पूर्णिमा नी तो फटाफट मेरी तुलसी मैया की पूजा और कर दू और लाइट थी कोनी चली गई थी बीच में जो सारो होल है नी धूमा भर रही है अब चिमनी चला के छोड़ दी थोड़ी देर। तो बाणो यह होगी मेरी देखो दीपा की तुलसी की पूजा की तैयारी ठीक है सारा सामान तैयार है और आज को वीडियो को भी है नी मैं एंड कर दू बाल्टी काट के पानी काट के धर रखे हो मैंने पानी घाल दियो भी यहाँ तो थोड़ो सो यो दूध आड़ो पानी यानी मतलब यो इसमें घाल दूंगी पूजा पाठ कर दू दीपावली की और आज के वीडियो को भी मैं व्लॉग को भी एंड कर दू बीच में आ जाए फोन बाणो बोलन दी कोनी ऐ देख लियो पानी मतलब पहले भी यहाँ तुलसी मन घाल दियो है अब बाद में थोड़ा सो और पूजा पाठ को और आज के व्लॉग वीडियो को भी एंड कर दें फिर मिलांगा अगले व्लॉग वीडियो में तब तक के लिए राम राम बाय बाय सभी को।